हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होगे और अच्छा कर रहे होगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होगे। जी हाँ, बी यू पटना बीटेक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में होगे। ओके, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और वेबसाइट की जो मैं लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ आपको, अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वेबसाइट के ऊपर, उस पर यह क्या 24th of November के बाद कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो आप तो परेशान मत हो, रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएंगे के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप से पहले। जी हाँ, आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे थर्ड सेमेस्टर के, उससे पहले आपके सेकंड के एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, श्योरली आएंगे। क्योंकि सेकंड ईयर में बहुत लोगों को ईयर बैक लगना है, फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में आ गए हो, फर्स्ट ईयर में बहुत लोगों को ईयर बैक लगना है, तो इस वजह से आपके जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप से पहले। जी हाँ, तो आप लोग वेट करो, थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, ऐसा मिस्टेक्स मत करना जैसे कि आपने फर्स्ट में किया था कि आपका फर्स्ट का रिजल्ट नहीं आया था तो आपने पढ़ाई भी नहीं किया था, आपको लगा कि रिजल्ट देख लेंगे फिर पढ़ाई करेंगे। अब बाद में हुआ क्या, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था और फर्स्ट का रिजल्ट आया आपका। तो ऐसे गलतियां ना करें, थर्ड का प्रिपरेशन करो, थर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो आई होप 2-4-5 दिनों के अंदर आ जाए। तो थैंक यू सो मच, आपको कुछ दिख रहे होंगे साइड में एक, जिसमें कि रिजल्ट आपको दिख रहे होंगे, बट वो रिजल्ट अभी तक का जो लेटेस्ट वेबसाइट का अपडेट है वो आपको दिख रहा है। ओके, थैंक यू।